भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह सरकार है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से देश भर में लाभार्थियों की विशाल संख्या तैयार की गई है। लाभार्थियों को योजनाओं के माध्यम से मजबूत बनाने से देश तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की गरीबी दर 12% घटी है। भारत अब मांगने और लेने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला देश बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गोरखपुर के रानी डीहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय और 7 जिलों पार्टी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन के बाद गरीब कल्याण मेला में उपस्थित लाभार्थियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक समय देश की राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और अनाचार का बोलबाला था। 2014 में देश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद को धक्का देकर विकासवाद की राजनीति खड़ी की। उन्होंने कहा कि विकासवाद सिर्फ बिल्डिंग से ही नहीं दिखाई देता बल्कि देश की जनता पर भी इसका प्रभाव दिखना चाहिए। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। भाजपा सरकार समस्या से लड़ने वाली सरकार है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने के लिए गरीबों को योजनाओं से जोड़ना होगा। भाजपा सरकार ने इसको लेकर ठोस प्रयास किए। आजादी के 70 साल बाद भी 11 करोड़ महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। पहले की सरकारों को इन महिलाओं की चिंता नहीं थी। भाजपा सरकार ने 11 करोड़ शौचालय बनवाकर महिलाओं को इज्जत घर ही नहीं दिया बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 2.61 करोड़ शौचालय सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए हैं। शौचालय महिला सशक्तिकरण का उपकरण भी है। 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। कोरोना महामारी के बावजूद देश 8.7% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें असंवेदनशील थीं, उन्हें लोगों की चिंता नहीं थी, इलाज और दवा तक उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गई। गोरखपुर और पूर्वी यूपी में इंसेफ्लाइटिस से हर साल हजारों बच्चे मर रहे थे। 1906 में ही जापान में इंसेफ्लाइटिस की दवा बनाई गई थी। भारत में योगी जी के प्रयास के बाद 2006 में इसकी दवा पहुंची। चिकन पॉक्स की दवा 27 साल बाद, BCG का टीका 27 साल और पोलियो ड्रॉप 30 साल, टिटनेस का इंजेक्शन 38 साल, मीजल्स की दवा 22 साल बाद भारत आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में कोरोना का पहला मामला आते ही पीएम मोदी ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। अक्टूबर 2020 में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। जनवरी 21 में पीएम मोदी ने देश एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई। पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा अभियान था। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 100 देशों को 18.5 करोड़ डोज भेजा, 43 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी। कोरोना काल में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। पीएम अन्न योजना में लोगों को मुफ्त राशन दिया। यूपी में योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को लागू किया। उन्होंने कहा कि अभी रूस और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। भारत के 23,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे। अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई ताकतवर देश वहां से अपने लोगों को नहीं निकाल पाए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात कर युद्ध रुकवाया। 10 दिन में 104 फ्लाइट से सभी बच्चे सुरक्षित भारत पहुंचे। यह भारत की नई ताकत है। श्री नड्डा ने गोरखपुर के खाद कारखाने की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए 5 प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2016 में पीएम मोदी ने खाद कारखाने के पुनर्द्वार और गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के आशीर्वाद और सीएम योगी के प्रयास से आज दोनों लोगों को सेवा दे रहे हैं। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ मैं आपको एक गैर जिम्मेदार नेता की बात याद दिलाता हूँ, वही अखिलेश हैं। कोरोना वैक्सीन को मोदी का टीका है, भाजपा का टीका है कहकर चिल्लाते रहे, खुद चुपके से लगवा ली और आपको रोकते रहे। सपा और कांग्रेस का काम ही क्या है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना और अपना वोट बैंक बनाना।
गरीब कल्याण मेला में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच पर सानिध्य मिला। श्री नड्डा व सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि यंत्र वितरण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से आत्मीय संवाद भी किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सूर्य प्रताप शाही, डॉक्टर संजय निषाद, दयाशंकर सिंह, संदीप सिंह, विजय लक्ष्मी गौतम, सांसदगढ़ रवि किशन शुक्ल, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, कमलेश पासवान, विजय दुबे, रविन्द्र कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सदस्य शिवप्रताप शुक्ल, नीरज शेखर, जयप्रकाश निषाद, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, बीजेपी के क्षेत्र प्रभारी अनुप गुप्ता, प्रदेश कार्यालय प्रभारी राकेश, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2-in-1 एक ही सभा में दो कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और दो कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालय का उद्घाटन करती है तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा
अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, ये ठीक है कि कार्यालय का उद्घाटन मैंने यहां कर दिया और इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी, इसमें जिला का कार्यालय भी गोरखपुर का है, लेकिन आज मैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन कर पाया हूं और मैं डिजिटल माध्यम से देख रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी रायबरेली में बैठे हैं, मैं अभी अभी देख रहा था हमारे दिनेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके जगदम्बिका पाल जी हैं और उसी तरीके से हमारे AK शर्मा जी मंत्री जी, स्थान पता नहीं चल रहा है लेकिन चेहरा साफ दिख रहा है तो उनको भी मैं देख रहा हूं। हमारे महेंद्र पांडे जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़े हैं। इन सबको भी मैं नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। मुझे ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ करके इस समय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटना ऐसे ही नहीं घट रही है, इस घटना के पीछे एक इतिहास है, इस घटना के पीछे कहानी है, जो कहानी बहुत ही गहरी है और उसको वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बताती है। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए, कार्यालय 1100 करोड़ था, मैं महामंत्री होता था, मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है। एक समय में ये पार्टी को नानाजी देशमुख के नाम पर अलॉट हुआ था और तब से लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। और इसीलिए फिर अमित शाह जी ने रचना बनाई, वो अध्यक्ष बने और लगभग 512 कार्यालय बनने की योजना बनी। और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। ये कार्यालय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, ये कार्यालय जीता जागता पार्टी का संस्कार केंद्र है, ये ऊर्जा देने वाला केंद्र है, ये योजना बनाने वाला केंद्र है। और देखिए, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि भैया इसको ऑफिस क्यों नहीं बोलते, इसको कार्यालय क्यों बोलते? ऑफिस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय हमारा 24x7x365 हमेशा खुला रहता है और कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है, वो हमारा कार्यालय है। और ये कार्यालय हमको वहां तस्वीरें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी है।
ये कौन है तो नानाजी देशमुख है, ये कौन है तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं, ये किसकी तस्वीर है तो बताते हैं ये हमारे जगन्नाथ राव जोशी है, ये तस्वीर किसकी है तो हम बताते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि आपकी जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नींव रखने वालों की तस्वीरें हैं, इस बात को हमको बताती है। इसलिए मित्रों, ये जो मॉडर्न युक्त कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय है, इसका हमको उपयोग करना है और इसका भरपूर उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए लंबा समय हो गया, 40 साल हो गए। एक समय था हमारे पास कार्यालय नहीं होते थे, उधार के कोई किसी के रेंटेड मकान में हम कार्यालय खोलते थे। हम उन रेंटेड कार्यालयों में अपने कार्य को विस्तार करने का काम करते थे। कई बार तो कार्यालय का रेंट देने की भी स्थिति नहीं होती थी, मकान मालिक से हाथ जोड़ते थे कि भैया जरा 5 महीने के लिए इंतजाम कर दे, रहने दीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। यहां से हमारे लोगों ने पार्टी का काम शुरू किया और छोटे छोटे कार्यालयों से रहते हुए इस काम को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और भव्य कार्यालय बना करके लोगों को आगे बढ़ाने का संस्कार केंद्र दिया है। मित्रों, इसमें डिजिटल ई लाइब्रेरी भी है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इसको जब मैं समर्पित करता हूं तो कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूं, इसकी लाइब्रेरी का उपयोग करो और अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, तुम्हारे कंधों पर कल उज्जवल भविष्य भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, इसकी तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी करने के लिए अपना अध्ययन जरूरी है, इसलिए पार्टी का कार्यालय का उपयोग करते हुए हम जरूर अध्ययन करें और चीजों को संभाल करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यालय के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो 6 स्थान पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पुनः मैं बधाई देता हूं, मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूं और उनको ये कार्यालय समर्पित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वहां भी कार्यकर्ताओं को इस बात का बोध कराया जाए। आज मैं गरीब कल्याण मेला और लाभार्थियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय था जब राजनीति होती थी परिवारवाद, वंशवाद, धर्म पर, जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये राजनीति के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद को, वंशवाद को, संप्रदायवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को धत्ता दिखाते हुए विकासवाद की राजनीति ला करके खड़ी की है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब विकासवाद की बात आती है तो विकास सिर्फ बिल्डिंगों के साथ नहीं, विकास इस देश में रहने वाली जनता के साथ भी होना चाहिए। और इसीलिए मंत्र रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, जवाब देने वाली सरकार है, जवाबदेही वाली सरकार है, समस्या आती है तो उससे लड़ने वाली सरकार है, हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाली सरकारें नहीं है। हम मेहनत करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश को आगे बढ़ाते हैं तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम प्रो रिस्पॉन्सिव हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं
और यहां क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मेरा संबंध रहा है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विशेष करके जो प्रकोप गोरखपुर में था वो आप लोगों ने देखा है, लेकिन देश कैसे चलता था ये आपको बताना चाहता हूं। इस देश में चिकन पॉक्स की दवा को आने में 27 साल लग गए, ये थी सरकारें, 27 साल लग गए चिकन पॉक्स की दवा आने में, बीसीजी वैक्सीन आने में 27 साल लग गए, ओरल पोलियो पोलियो का जो ओरल ड्रॉप्स है उसको भारत में आने में 30 साल लग गए, 30 साल 30 इयर्स, टेटनेस की दवा को आने में भारत में 38 साल लग गए और मीजल्स को भारत में की दवा आने में भारत में 22 साल लग गए, और आपकी जापानी बुखार जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसकी दवा 1906 में जापान में बन गई थी उसको भारत में योगी जी के माध्यम से पहुंचने का मौका मिला, वो भी 2006 में मिला, इस बात को समझिए, 100 साल लगे, 100 इयर्स जापानी जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन पहुंचने, ये सरकारें थी, ये थी सरकारें। और इधर देखिए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कोरोना 2020 के जनवरी 20 को आया पहला केस, अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, 2020 के अक्टूबर में ट्रायल शुरू हो गया दवाई का, खुद जाकर के फैक्ट्री में मोदी जी ने निरीक्षण किया और 2021 की जनवरी में भारत को मोदी जी ने एक नहीं दो दो वैक्सीन दे दी, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्ड करने वाली गवर्नमेंट, दो दो वैक्सीन। और आप लोग जो अभी बैठे हैं ना सब लोग बिना मास्क के और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने 130 करोड़ के देश को 200 करोड़ का इंजेक्शन डबल इंजेक्शन लग चुका है, दुनिया का सबसे तेज गति से लगने वाला इंजेक्शन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा इंजेक्शन का कार्यक्रम है, इट इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड दी फास्टेस्ट इनोक्यूलेशन प्रोग्राम वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो भारत ने सफल करके दिया है, 200 करोड़ पार कर गए हम, 200 करोड़, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इसी समय मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था यह मोदी टीका है, यह मोदी टीका है, यह बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा, यह है इनकी सरकारों का हाल और यह है इनकी करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि ये वैक्सीन दो दो वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है, यह भी समझना चाहिए। और उसमें और खुशी की बात यह होगी कि मोदी जी ने 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है वैक्सीन मैत्री के तहत, यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब लेने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब देने वाला भारत बन गया, इस बात को हमको समझना है। यह है अंतर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए थे, आप बताइए कोई देश का कोई नेता अपने बच्चों को लाया है, अमेरिका लाया क्या, इंग्लैंड ने लाया क्या, आप बताइए यूरोप के लोगों ने लाया क्या, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को तिरंगा झंडा लेकर के निकाल करके सुरक्षित 23,000 बच्चे 10 दिन के अंदर 104 एरोप्लेन की उड़ानें भर करके 14 इंडियन एयरफोर्स की और बाकी सरकारों बाकी फ्लाइट्स रेगुलर फ्लाइट्स पे
23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और तो और छोड़िए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी यूक्रेन से निकलने में सफल हुए, ये भी हमको समझना होगा। तो मित्रों, मैं आपके साथ ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। कोरोना आया, बताइए आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के मई में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी कि नहीं चलाई थी? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? और योगी जी ने उसको कंटिन्यू किया कि नहीं किया? यह है गरीब कल्याण का अर्थ, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत 22% गरीबी से घट करके 10% गरीबी पर आ गया है, यानी 12% गरीबी घट गई है और 1% से 0.8 पर एक्सट्रीम गरीबी हट गई है। और यह कैसे संभव हुआ है? यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम चलाए गए, उन गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के कारण उसको पूरा करने का काम करने में हमें लाभ मिला है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे स्वच्छता अभियान की, अब हमारे लोग 11 करोड़ लोगों को स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिला, यहां भी लगभग 2 करोड़ 61 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में शौचालय प्रावधान किया गया। अब मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये शौचालय ही शौचालय नहीं था, ये सिर्फ शौचालय नहीं है। आप समझिए कि 11 करोड़ बहनें, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख बहनें अपने दैनंदिन जीवन के दैनिक कार्यक्रम के लिए खुले हुए खेतों में जाया करती थी, यानी 70 साल बाद भी 11 करोड़ बहनों की इज्जत और उनकी आबरू की चिंता नहीं की गई। लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने 4 साल के अंदर उनको इज्जत भी दिया, इज्जत घर भी दिया और इज्जत घर के साथ जीने का हक दिया। यह छोटी घटना नहीं है, 11 करोड़ बहनों की 11 करोड़ बच्चे भी तो होंगे, वो भी तो खेतों में जाते थे, यानी 22 करोड़ की आबादी बाहर शौच जाया करती थी। तो आप सोचिए कि क्या क्या देश था। इसलिए यह शौचालय सिर्फ इज्जत घर नहीं है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण है, इसको समझना चाहिए, यह महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण। और इसलिए गरीब कल्याण सिर्फ हमने चाबी नहीं दी, सिर्फ हमने अन्न नहीं दिया, हमने उनको इज्जत दी और इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना, 9.5 करोड़ लोगों को दे दिया, 9.5 करोड़ लोगों को चूल्हा दे दिया, गैस दे दिया। मित्रों, सिर्फ गैस और चूल्हा नहीं है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, एक लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बना करके देखे, दिन भर में महिलाएं उस लकड़ी के लकड़ी जला करके जो चूल्हा में भोजन बनाती है, 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में एक दिन में ले लेती है, एक दिन में। क्या हाल होता होगा उनका? मैंने पूछा, मैं गया था आंध्र प्रदेश, वहां मेरे को मिले, मैंने एक बच्ची को खड़ा किया, मैंने उससे पूछा, इसे तेलुगु में पूछो कि तुम्हारे फेफड़ों पर असर पड़ता था? तो उसने मुझे जवाब दिया, फेफड़ों पर भी असर नहीं, आंखों पर भी असर पड़ता था, धुआं धुआं, खाली आंसू ही निकलते थे। और ऐसी संख्या कितनी है? 9.5 करोड़। और आपके यहां ये संख्या, ये भी 1.70 करोड़, यानी 1.70 करोड़ बहने फूक फूक कर और वो चूल्हा जलाती थी। और आजकल क्या हो गया है? लाइटर पकड़ा, टक से मारा, जलाया और चाय 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिलाई और फिर बोला काम पर जाओ, जल्दी जाओ। ये है महिला सशक्तिकरण जो हमको समझना होगा, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिफॉर्म्स, वन नेशन वन जीएसटी वन टैक्स। आप ट्रकों ट्रक के ट्रक बिल्टी लेके खड़ा हुआ करते थे, पेट्रोल जलाते थे, समय बर्बाद करते थे, आज वन नेशन वन टैक्स। यहां से मुंबई चले जाओ,
कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, सीधे सीधे मुंबई तक पहुंच जाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। वन नेशन वन ग्रिड, बिजली के लिए कोई भी अब आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग ग्रिड से आप लो, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब गोरखपुर का व्यक्ति अगर मुंबई जाता है और गोरखपुर के बासवा जगह का रहने वाला है तो उसका राशन कार्ड यहां का होगा और वो मुंबई में पार्ले में वहां जाकर के अपना राशन ले सकेगा और खा सकेगा। यह व्यवस्था आज वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर यहां का कोई टैक्सी ड्राइवर मुंबई में जाएगा, राशन कार्ड यहां का होगा और इलाज और राशन उसको वहां मिल जाएगा। बताइए यह परिवर्तन है कि नहीं है, यह परिवर्तन है कि नहीं है, यह गरीब कल्याण को ताकत देने का माध्यम है कि नहीं है। यह करने की कोशिश चली है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, देश बहुत बदला है। हम इसके आंकड़े बताने लगे तो ब्रॉडबैंड की दृष्टि से अगर देखा जाए डिजिटल इंडिया में, तो एक समय में 100 पंचायतें थी जो ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, आज 2,50,000 लोग जुड़ चुके हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। हम यहाँ गोरखपुर में आए हैं, आप बताइए, यहाँ वो फर्टिलाइजर का फैक्ट्री थी ना, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, पांच प्रधानमंत्री चले गए वायदा करके, मैं ठीक बोल रहा हूँ योगी जी, ठीक बोल रहा हूँ, पांच फैक्ट्री नहीं चली। और मुझे याद है 2016 में शायद प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने एक साथ उस फैक्ट्री का भी शिलान्यास किया था पुनर्धार के लिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी किया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम उस समय शुरू हुआ था। आज मुझे खुशी होती है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद रखा उत्तर प्रदेश पर और योगी जी ने जिस तेजी से काम किया, हमें जमीन दिलाई और मुझ जैसे माली को अगर पौधा खिलता हुआ दिखता है तो कितनी खुशी होती होगी जब मैं ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग देखता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। सात साल में एक ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू देखे गए, सात ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज देखे गए अटल बिहारी वाजपेयी, और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज दिया है और गोरखपुर भी उसी में एक मेडिकल ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज है। 2014 में जब हम आए तो यहां पर 15 मेडिकल कॉलेज थे देश में, आज यहां पर 73 मेडिकल कॉलेजेस की शिलान्यास और काम चल रहा है, 73 आपकी बस्ती यहां पर सिद्धार्थनगर श्रावस्ती, कोई छूटा नहीं है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए विशेष सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलने का काम किया, तो वो भी हमारी सरकार ने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किया, ये भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, मैं आपके सामने ये कहानियां, लंबी कहानियां विकास की बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो 12% गरीबी घटी है भारत की, ये ऐसे ही नहीं घटी है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं चावल पहुंचा करके उनको मजबूत किया गया है, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये इस कारण से आई है कि लाभार्थियों की श्रृंखला बढ़ाई गई है और लाभार्थियों का तरीका भी बढ़ाया गया है। ये गरीबी इसलिए गई है क्योंकि इकॉनमी आज 8.7% के ग्रोथ रेट से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये भी आज हमारे देश का कोरोना से लड़ने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में 8.7% से ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं, अमेरिका 4.4% पर खड़ा है। ये अंतर देखिए, आप देखिए हमारे विकास के दृष्टि से हम किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो $300 बिलियन था, वो बढ़ करके $600 बिलियन हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट वो आज $625 बिलियन हो गया है। वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स। कभी किसी ने सोचा था कि खादी इस देश में कांग्रेस के लोग 70 साल गांधी और खादी के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे, खादी को आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने, योगी जी ने वोकल फॉर लोकल इस बात को कहकर के खादी इस साल मार्च में 1,15,00,000 रुपए का टर्नओवर करके ये खादी ने वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी, ये भी हमको समझना चाहिए।
देखो मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति कैसे बदलती है। मैंने इतनी देर भाषण दिया, मैंने कहीं जाति की बात की? मैंने किसी पंत प्रधान की बात की? मैंने कोई बिखराव की बात की? मैंने किसी को तोड़ने की बात की? और कांग्रेस ही आता है तो क्या करता है, और समाजवादी आता है तो क्या करता है? इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, इसको इससे लड़ाओ, और अपना वोट साधो और चलते रहो। हम बात करते हैं तो गरीबों की करते हैं, हम बात करते हैं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, हमारा आदिवासी भाई, इसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए भारत को बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, भारत को आगे बढ़ाने का रास्ता एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और विकासवाद ही हमारा रास्ता है। और ये कार्यालय इस विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए, और सामने बैठे हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक एक उपकरण बन करके इसको पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपने मेरी बात इतनी गर्मी में सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, मंचा सिंह, सभी अतिथियों और आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय श्री राम।